दो इन पकड़ दोनों आता हूँ ठीक है दोनों आता हूँ साउथ पकड़ यहाँ ठीक है मैं बट इन साउंड बट ही नहीं थोड़ा अटकड़ यहाँ करते ठीक है सागे सागे यूँ फोटो खेच बोक रही यूँ यूँ खाली यूँ और किसे बटन को दबाओ नमस्कार फेकतंत्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। सभी दर्शकों को जय भारत जय भीम। जो मेरे पीछे आप हुजूम देख रहे हो जो भीड़ देख रहे हो वह भीड़ राजस्थान के चूरू जिले की विदासा तहसील के सांडवा कस्बे में है जहां भारत रत्न और समरसता की बात करने वाले दलित शोषित और पीड़ितों की बात सरकार तक पहुंचाने वाले और उनको अपना हक दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की आज जयंती है और इस अवसर पर गांव सांडवा के युवा इकट्ठे होकर उनको याद करने के लिए जुलूस और रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति और उनके किए गए कार्य आज भी भारत देश के संविधान में अलौकिक बनकर आज देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में इस गांव के युवाओं से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम दानाराम जी बोडाना। दानाराम जी आप आज जय भीम जो जयंती है भीमराव अम्बेडकर जी की और इस विषय पर आज रैली का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहोगे देश के लोगों को और भीमराव जी अम्बेडकर ने देश के लिए क्या काम किया अगर आपको याद है तो? देखो ऐसे है वो तो बाबा साहब ने तो सबके लिए अच्छा ही किया और हमारे वो संविधान निर्माता थे उस टाइम जहाँ राजनीति नहीं थी उस टाइम उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां बहुत सारी पढ़ाई उस टाइम में जहाँ हमारे साथ या दलित समाज के साथ अत्याचार होते थे उस टाइम उन्होंने हमारी इस ऐसी समाज को ऐसे एसटी समाज को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गए और उन्होंने संविधान लिखा उसी संविधान के उपलक्ष्य में और सबको एकता के हिसाब से हम ये रैली निकाल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से यूनिटी इज पावर एकता में शक्ति। हमारे साथ कई बच्चे भी उनसे बातचीत करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी में पढ़ते हो तो आज किसकी जयंती है? डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की जयंती है तो आज स्कूल की छुट्टी है। आप स्कूल पढ़ने जाते हो? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में। कौन सी में? प्राइमरी। कौन से मैडम पढ़ाते हैं, कौन से टीचर पढ़ाते हैं, नाम पता है? क्या क्या नाम है? आशुराम जी, गीता मैम, मनीराम जी। सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं आपको? गीता मैम पढ़ाते हैं सबसे अच्छा। ये बच्चे हैं और जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसका नाम आता है। टीचर तो सभी अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों के दिल में एक टीचर के प्रति विशेष भाव होते हैं। हम और भी बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ में एक दादोजी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या आज जो आप रैली आयोजन कर रहे हैं अभी भाग लेना आ गया थे? हाँ भाग लेना आ गया। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 70-75। 70-75 होगी थे पुराना टाइम का आदमी हो और आज नए टाइम भी आ गयो आगे आ जाओ। थोड़ा पहले आप आज हम बात करा के दलित और पीड़ित शोषिता के सागर बहुत ज्यादा नहीं हो तो और शोषण भी होते छुआछूत भी होती अब थाने कहे लगे कि परिवर्तन हुए? परिवर्तन हुए सब मिट गया। छुआछूत छुआछूत अब खत्म हो गया। पहले ज्यादा होता का टाइम है थाने ये कोई याद आवे छुआछूत को कोई किसो? छुआछूत घनी बहुत ही नहीं तो याद या कई तरह की छुआछूत होती पहले एक पानी की पटी रही गाड़िया में बैठने थी स्कूल में कौन पढ़ने देता? मंगल टाइम स्कूल में कौन पानी पानी भी कौन पीने देता? पानी कौन पीने देता? और अब बदलाव बहुत आयो है या कौन है? तो सोई बदलाव आ गयो अब तो सागर भी बैठ जिम है सागर जिम है छुआछूत कम हुई है ही कोनी। निश्चित रूप आप यहाँ चाहवा के एक दिन में सब चीज खत्म हो जाए। शिक्षा डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर एक बात कही कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। और भी हमारे साथ यहाँ के बात युवा उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल जो व्याख्या था हमारे साथ उनसे बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह देखते हो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के योगदान को और हमें इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की सोच विकसित करनी चाहिए? बाबा साहब ने जो विश्व स्पीकर के अमृतता का जो संदेश दिया अमृतत्व का और उन्होंने कहा कि सामाजिक और जो दलित गरीब पिछड़े और जितने भी जो वर्ग थे उनको आगे लाने के लिए जो उन्होंने अधिकार दिए और उन्होंने अपने जीवन में इतनी विषमताएं सहन की फिर भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति जो एक समरसता का भाव दिया और एक महान व्यक्तित्व का हमें संदेश दिया उस संदेश के ऊपर हमें चलना है और बाबा साहब की बताए हुए जो विचार है जो उनके हमें अधिकार दिलाए हैं उन अधिकारों को हमें प्राप्त करना है और
आज हर व्यक्ति आज बाबा साहब के जयंती से वाकिफ है और हर आदमी जानता है कि वास्तव में बाबा साहब ने जो हमारे लिए केवल एक वर्ग के लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए पूरे समाज के लिए जो देश के लिए उन्होंने जो कार्य किए वो वास्तव में आज अनुकरणीय है और हमें उसी प्रकार से एक विराट व्यक्तित्व का विकास करते हुए और समरसता के साथ में हमें आगे बढ़ना है और पूरे देश को और छोटे बच्चे से लेकर के युवा तक हर वर्ग को हमें उनके विचारों और उनके अनुकरणों का अनुलेख करते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से विराट व्यक्तित्व होता है वो किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होता, भले ही हम राजनीतिक कारणों से उन्हें एक वर्ग तक सीमित कर सकते हैं, एक धर्म तक सीमित कर सकते हैं, क्योंकि महापुरुष जिस व्यक्ति के लगता है जो किसी भी जाति में जन्मा हो, किसी भी परिवार में जन्मा हो, निश्चित रूप से हम उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो सोच होती है वो एक राष्ट्र निर्माण के लिए होती है। और भी हमारे साथ कई लोग, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक बच्चा उनसे, क्या नाम आपका? अशोक। अशोक कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी। पांचवी में कहाँ पे पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ना? हिंदी। हिंदी? हिंदी में कोई कविता याद है? बताओ, सुनाओ। सर किसी सुना दो, कोई सुना दो, कोई सी। टोटा हूँ भाई टोटा हूँ, हरे रंग का टोटा हूँ, लाल मेरी चोंच है, बागों में मैं जाता हूँ, फल तोड़ के खाता हूँ। हमारा चैनल FM 1010, आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to